डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, भारत कनाडा संबंधों में तनाव। हाल ही में भारत ने देश में तैनात कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा है। ये निर्णय भारत द्वारा अपने आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप आदि पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को देखते हुए लिया गया है। दरअसल भारत की ये प्रतिक्रिया कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक विवादित बयान के बाद आई है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उसमें भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। इसके बाद कनाडा द्वारा एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। भारत सरकार ने कनाडा के इन दावों को खारिज किया है। गौरतलब है कि भारत ने 1947 में कनाडा के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व ओटावा में भारतीय उच्चायोग और टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में कनाडा का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग द्वारा किया जाता है। चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई में कनाडा के महावाणिज्य दूतावास और बेंगलोर में एक वाणिज्य दूतावास है। गौरतलब है कि भारत कनाडा में उग्रवादी तत्वों द्वारा जारी भारत विरोधी गतिविधियों के प्रति अपनी चिंताओं से अवगत कराता रहा है, जो कि अलगाववाद को बढ़ावा और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।